हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम आपको डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर 9 के क्वेश्चंस बताएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन बताने से पहले हम उसके मेथड बताना चाहते हैं। 9.6 एक्सरसाइज को, 9.6 एक्सरसाइज में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और उसको हमको किस मेथड से सॉल्व करना है, इसके बारे में पहले हम जान लें एक्सरसाइज शुरू करने से पहले। तो चलिए बच्चों, देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका फॉर्मेट रहेगा बच्चों dy / dx + py = q, वेयर p q आर कांस्टेंट रहेगा और फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, क्या फंक्शन ऑफ एक्स ओनली रहेगा। इसके बाद जो सेकंड स्टेप हम लोग करेंगे बच्चों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आईया बोलते हैं, वो निकालेंगे e की पावर बी पी डी एक्स। और फिर थर्ड स्टेप हमारा इसको सॉल्व करने का रहेगा, वाई इंटू आई एफ लिखेंगे, इंटीग्रल क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। अब एक दूसरे टाइप का भी लीनियर इक्वेशन चलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको भी हम बताते हैं। दो टाइप का ही इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक। हम लोग सेकंड टाइप को देखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। dx / dy + px = q है, वेयर p एंड q आर कांस्टेंट रहेगा, अच्छा फंक्शन ऑफ y ओनली, ठीक। फिर उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर if = होगा e की पावर p dy, और उसका फार्मूला क्या बनेगा इक्वेशन बनाने का, x / if = इंटीग्रल ऑफ q if dy + c। अब बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसी बेस में रहेगा, इन दोनों मेथड का यूज करके, इसी में से कोई एक मेथड यूज करेंगे हम लोग जिस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो अपना का डाउट क्लियर करेंगे आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करके। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, dy / dx + 2y = sin x, इसको जनरल सलूशन हमको फाइंड करना है। तो बच्चों, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे dy / dx + py = q से, ठीक। तो क्या हुआ, p अपना हो गया क्या 2 और q की वैल्यू आ गई बच्चों sin x आ गई, ठीक है। आप इसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम शॉर्ट फॉर्म में आई एफ लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला ई पी डी वाई होगा, ठीक है, ई पी डी एक्स इसके लिए निकालेंगे। तो ये ई पी डी एक्स क्या हो जाएगा, ई टू एक्स हो जाएगा। आप क्या करेंगे बच्चों, फॉर्मूला बनेगा वाई इंटू आई एफ इजकल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ठीक। हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, y into i f की वैल्यू हमारे पास क्या थी, e की पावर 2x था, और q क्या थी बच्चों sin x था, sin x था into e की पावर 2x और dx लिख देंगे और प्लस c लिखेंगे। अब बच्चों, इसमें हम लोग फार्मूला क्या यूज करेंगे, eax sin bx का, eax sin bx dx का फार्मूला यूज कर देंगे, तो इंटीग्रल करने में हमको आसान हो जाएगा और जल्दी से अपना आंसर भी आ जाएगा। हाँ बच्चों, अब आया हमारा y into e की पावर 2x इसका टू में इंटीग्रल ऑफ sin x into e to the power x dx + c। तो ex sin bx dx का फार्मूला क्या यूज करेंगे बच्चों, eax upon a square plus b square और a sin bx minus b cos bx, ठीक। तो यहाँ पर बच्चों देखो, a हमारे पास तो 2 होगा, a इक्वल टू क्या होगा 2 और b इक्वल टू क्या होगा 1। तो इसमें फार्मूला में हम लोग रख देते हैं y into e की पावर 2x इक्वल टू e, a के जगह में रख देंगे बच्चों 2x अपान a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर, a sin bx मतलब 2 sin x माइनस b, तो अपने पास 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं बच्चों, cos x हो गया, ठीक। तो ये आएगा y into e 2x और प्लस c जरूर लिखिएगा, प्लस c y into e की पावर 2x इक्वल टू e की पावर 2x अपान 4, ये 4 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 sin x minus cos x plus c हो गया। अब y is equal to निकालेंगे, तो y is equal to में क्या होगा e2x by 5 और ये 2x नीचे आ जाएगा बच्चों, तो e की पावर 2x फिर 2 sin x लिखिएगा minus cos x plus c upon e की पावर 2x, ठीक। तो ये 2x 2x कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद अपना आंसर आएगा। हाँ बच्चों, तो y इज इक्वल टू अपना आंसर क्या आएगा, 1/5 आ जाएगा, 1/5 e to x कैंसिल हो गया, 2 sin x minus cos x plus c into e की पावर minus 2x हो गया। तो ये अपना क्या हुआ बच्चों, आंसर हुआ। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब तो अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, dy / dx + 3y इज इक्वल टू e पावर minus 2x है। एक इस टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का dy / dx + py = q फॉर्म का है, तो p = क्या हो जाएगा 3 और q = हो जाएगा बच्चों e की पावर -2x।
है ना, कंपेयर करके हम लोग समझ गए। अब इसको हम लोग पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। आई आप का फार्मूला होता है ई पी टू पावर डी एक्स, तो ई और थ्री डी एक्स कर दीजिए, तो थ्री का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ई की पावर थ्री एक्स हो जाएगा, थ्री का इंटीग्रल थ्री एक्स होगा, ई की पावर थ्री एक्स होगा, ठीक है। अब वाई इंटू आई आप लिखेंगे, क्यू इंटू आई आप डी एक्स, इंटीग्रल का साइन लगाइए, प्लस सी लिखिए, y लिखिए बच्चों, e आपका वैल्यू कितना है, e की पावर 3x, q की वैल्यू मेरे पास क्या है बच्चों, e की पावर माइनस 2x है, इंटू e की पावर 3x है, dx हुआ और प्लस सी हुआ, तो y इंटू e की पावर 3x इक्वल टू e 3x और e माइनस 2x कितना हो जाएगा, ex आ जाएगा और dx प्लस सी। तो अब क्या करेंगे, y into e की पावर 3x is equal to ex का इंटीग्रल, तो ex हुआ और प्लस c हुआ, ये हुआ आंसर हुआ बच्चों। और यदि और आंसर चाहिए तो y is equal to करके e3x को इसके नीचे रख देते हैं बच्चों। इसको हम लोग y is equal to यदि निकालते हैं तो e की पावर x प्लस c अपॉन क्या हो जाएगा, e3x हो जाएगा, और यहां से और सिंपलीफाई कर देते हैं, ex अपॉन e की पावर 3x प्लस c अपॉन e की पावर 3x हो जाएगा, और y is equal to e की पावर x से 3x चला जाएगा, क्या बचेगा बच्चों, माइनस 2x प्लस c e की पावर माइनस 3x हो जाएगा। ये अपना जनरल सॉल्यूशन का ये आंसर हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, dy by dx plus y upon x is equal to x square है, तो dy by dx plus px, dy by dx plus py is equal to क्या होगा, q से कंपेयर करेंगे तो p is equal to क्या होगा बच्चों, 1 by x, और q is equal to क्या होगा, x square हुआ, ठीक है, dy by dx plus py बराबर q से कंपेयर हो गई। अब ध्यान दीजिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले, i of is equal to e power p dx is equal to e p, p अपने पास क्या है बच्चों, 1 by x dx, 1 by x का इंटीग्रल क्या होता है, log x होता है, t की पावर log x करिए, और फार्मूला है बच्चों e की पावर log x का क्या होता है, x होता है, इसलिए x लिख दीजिए, फार्मूला है e की पावर log x is equal to x। अब इंटीग्रल करेंगे तो y into i of is equal to q into i of dx plus c, ठीक, तो y लिखा है, x पे आया, q की वैल्यू मेरे पास x स्क्वायर है, i f की वैल्यू मेरे पास x है, dx किया प्लस c कर दिया, तो y into x is equal to x cube dx plus c। अब देखिए बच्चों, y into x is equal to x 4 by 4 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। अब y is equal to में x दोनों के नीचे कर देते हैं, क्लियर, हम अच्छा y is equal to करेंगे तो x by 4, x power 4 upon 4x हो जाएगा, plus c upon x हो जाएगा, और यहां से जो है ये x cancel हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x cube by 4 plus c upon x बचेगा। और देखेंगे dy by dx plus sec x into y is equal to tan x है, कंपेयर करेंगे बच्चों dy by dx plus py is equal to q से, तो p is equal to क्या हो जाएगा, sec x होगा, और q is equal to क्या होगा बच्चों, tan x हुआ, ठीक है। अब हम लोग i f पहले निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e की पावर p dx लिखे, तो e की पावर sec x dx हुआ, sec x का इंटीग्रल होता है बच्चों log sec x plus tan, sec x का इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है, log sec x plus tan x, और e की पावर log x का फार्मूला क्या होता है, x होता है, e log x, x अपने पास क्या है, sec x plus tan x है, इसलिए अपना आंसर आ गया इसका i of sec x plus tan x। अब फार्मूला लगाइए बच्चों, y into i of is equal to q into i of dx plus c, तो y into i of के प्लेस में लिखेंगे sec x plus tan x आया था, ठीक, is equal to q की वैल्यू कितनी बच्चों, tan x है, ठीक, i of की वैल्यू क्या है, sec x plus tan x है, dx plus c लिख दिया, ठीक। अब ध्यान देंगे बच्चों, y into sec x plus tan x, इसका जो tan x का sec x से मल्टीप्लाई करिए बच्चों, तो sec x tan x हो गया, प्लस tan x का tan x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा, और ये dx हम लोग लिखेंगे अभी, ठीक है, प्लस c। अब tan स्क्वायर x का तो इंटीग्रल होता नहीं बच्चों, इसको हम लोग sec स्क्वायर x माइनस 1 करेंगे, आइडेंटिटी यूज करके फिर इंटीग्रल करेंगे। अब बच्चों tan स्क्वायर x की जगह हमने क्या बताया, sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखेंगे, तो y into sec x plus tan x हमने लिखा is equal to sec x tan x plus tan स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस 1, और क्या लगाएंगे, dx plus c लगाएं बच्चों, तो y into sec x
प्लस टेन एक्स लिख दिया हमने, इसका sec x tan x का इंटीग्रल क्या होगा बताओ, sec x हुआ, sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होगा बच्चों, tan x हो गया, और y का इंटीग्रल क्या हुआ, x प्लस c हुआ। तो बच्चों अपना तो आंसर आ चुका है, ये ध्यान दीजिए, लेकिन यदि हम चाहें तो इस टाइप से और आगे आंसर दे सकते हैं, sec x y टू sec x प्लस tan x माइनस sec x प्लस tan x, ठीक है, और प्लस का x इक्वल टू c। अब sec x प्लस tan x ले लेते हैं बच्चों कॉमन हम लोग, तो sec x प्लस tan x यदि हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा y माइनस 1 प्लस x इक्वल टू क्या बचेगा बच्चों, c बचेगा, ठीक, ये भी अपना आंसर हो सकता है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, y / dx + y tan x है, ठीक है, तो cos स्क्वायर x का सब में क्या करेंगे, दोनों साइड डिवाइड करेंगे बच्चों इसमें, तो dy / dx + y / cos स्क्वायर x इक्वल टू tan x / cos स्क्वायर x, ठीक है, tan x / cos स्क्वायर, तो ये बच्चों dy / dx प्लस y sec स्क्वायर x भी हो सकता है, ये इक्वल टू tan x इनटू sec स्क्वायर x, ठीक। अब कंपेयर करिए dy / dx + py इक्वल टू q से कंपेयर करते हैं, तो p इक्वल टू हमारे पास आ गया sec स्क्वायर x और q इक्वल टू आ गया tan x इनटू sec स्क्वायर x। अब हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर if, आई एफ इज कर क्या होगा बच्चों, e की पावर पी डी एक्स हुआ, e की पावर पी डी एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर x dx, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होगा बच्चों, tan x, e की पावर क्या हो जाएगा, tan x हो गया इंटीग्रल, ठीक। अब फार्मूला बनाएंगे बच्चों, y इंटू आई एफ इज कर टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ये फार्मूला है इसका, तो y इंटू आई एफ के प्लेस में क्या लिखेंगे, e की पावर tan x लिख दिया, q की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, tan x sec स्क्वायर x है, और आई एफ की जगह हम क्या लिखेंगे, e की पावर tan x dx प्लस c हुआ, ठीक। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इसको इंटीग्रल करना है मुझे इस पार्ट को, तो tan x को क्या करते हैं हम लोग, t मान लेते हैं, तो जैसे सपोज tan x को t करेंगे तो डेरिवेटिव करेंगे, तो tan x को t माना तो डिफरेंशियल हुआ tan x का sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो अब क्या सॉल्व करेंगे बच्चों, y into e tan x e की पावर tan x, tan x को हमने t माना, sec स्क्वायर x dx की जगह हमने dt लिखा, और e की पावर क्या हो गया, t हो गया, dt हो गया, ठीक, समझ में आया ना इतना, प्लस c। अब फर्स्ट फंक्शन ये, सेकंड फंक्शन ये मान के मल्टीप्लाई वाले इंटीग्रल का फार्मूला लगाएंगे, y into e की पावर tan x फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस dy dt फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर क्या होगा, होल इंटीग्रल होगा बच्चों, तो होल इंटीग्रल ये लिखे प्लस सी लिख दिया, y इंटू बच्चो y इंटू e की पावर tan x हो गया, तो ये t इंटू e t का इंटीग्रल क्या होगा, e t ही होता है, माइनस लगाइए dy dt का क्या होगा, 1 होगा, e t का इंटीग्रल e t होगा, फिर इंटीग्रल करेंगे तो e t ही आएगा बच्चों, प्लस c हो जाएगा, ठीक। अब tan x को हमने क्या माना था, t माना था, तो tan x की जगह में t की जगह में क्या रख देंगे हम लोग, tan x रख देंगे, तो tan x ये हुआ e की पावर tan x हो गया माइनस e की पावर tan x प्लस c। अब y इक्वल टू यदि कर देंगे बच्चों, तो tan x है इंटू e की पावर tan x माइनस e की पावर tan x प्लस c अपॉन e की पावर tan x हो गया, ठीक है, तो y इक्वल टू e tan x से कैंसिल कर देते हैं इसको, tan x इंटू e की पावर tan x अपॉन e की पावर tan x माइनस e की पावर tan x अपॉन e की पावर tan x प्लस c अपॉन e की पावर tan x हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए e tan x कैंसिल, e tan x इधर से कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू tan x माइनस 1 प्लस c इंटू e की पावर माइनस tan x हो जाएगा, ठीक है, तो ये अपना आंसर हुआ। सिक्स नंबर क्वेश्चन बच्चों, x इंटू dy / dx + 2y इक्वल टू x स्क्वायर log x है, तो यदि मैं इसको एक्चुअली बच्चे इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, तो dy / dx अकेला होना चाहिए, dy / dx ऐसा कोई नंबर या कोई वेरिएबल का कोई फंक्शन नहीं हो, यदि जो फंक्शन है उसको क्या करेंगे, सब में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन नंबर 6 है, dx dy / dx + 2y इक्वल टू x स्क्वायर log x है, लेकिन इस क्वेश्चन में, इस टाइप क्वेश्चन में क्या करना है अपने ध्यान देना है,
कि यार डीवाई बाई डी एस को अकेला होना चाहिए, इसके साथ कोई एक्स या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होना चाहिए। है तो उसी टर्म का क्या करेंगे, सब में डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर एक्स है तो एक्स का हम सब टर्म में क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे। तो डीवाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो डीवाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा बच्चों, एक्स लॉग एक्स। अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इसका टू क्यू से, ठीक है। तो पी इसका टू क्या हो जाएगा, टू बाई एक्स हो जाएगा, और क्यू इसका टू क्या हो जाएगा, एक्स लॉग एक्स होगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इसका टू ई की पावर पी डी एक्स निकालेंगे। तो ई की पावर टू बाई एक्स डी एक्स इसका टू ई की पावर टू वन बाई एक्स का लॉग एक्स हो जाएगा, ई की पावर लॉग एक्स ई की पावर टू लॉग एक्स हुआ, ठीक। अब इसके बाद और आगे बढ़ाते हैं, e की पावर टू लॉग एक्स था ना, अब लॉगरिथम का रूल लगाएंगे हम, तो पता ना आई एफ इज इक्वल टू देखिए क्या आया है, टू लॉग एक्स आया हमारा, ठीक है। तो आई एफ इज इक्वल टू क्या हो बच्चों, e लॉग एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। पावर जो है हमेशा आगे जो रहेगा वो पावर में चला जाएगा। अब बताइए e लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स ना, एक्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है। e की पावर लॉग एक्स स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब हम फार्मूला यूज करेंगे वाई इंटू आई एफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी करते हैं, ठीक बच्चों। तो चलिए देखें, तो अब क्या करेंगे कि y लिखा हमने, आई एफ की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर है। क्यू की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास, एक्स लॉग एक्स है। आई एफ की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर है, डी एक्स हुआ प्लस क्या हुआ बच्चों, सी हुआ, ठीक। आप क्या करिए, एक्स स्क्वायर है इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, वाई इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यू लॉग एक्स डी एक्स प्लस सी। अब लॉग एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, एक्स क्यू को क्या करिए सेकेंड फंक्शन मान के इसका इंटीग्रल का फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो वाई इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यू लॉग एक्स अपन इंटीग्रल करेंगे, आइलेट रूल लगाते हैं इस इंटीग्रल में, आइलेट रूल में लॉग को हमेशा फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, एक्स क्यू को क्या मानेंगे सेकेंड फंक्शन, और अच्छे से इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो लॉग एक्स लिखा बच्चों, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर होल इंटीग्रल करिए बच्चों, होल इंटीग्रल प्लस सी। अब वाई इंटू एक्स स्क्वायर लिख दिया, लॉग एक्स लिखा, ठीक। एक्स क्यू का एक्स फोर बाई फोर होगा, माइनस लॉग एक्स का क्या होगा, वन बाई एक्स होगा, एक्स क्यू का एक्स फोर बाई फोर होगा, डी एक्स होगा प्लस सी होगा, ठीक है। अब y into x square लिख दिया, इसका टू लगाया बच्चों, log x लिखा into x power 4 upon 4 minus x, x cancel हो जाएगा बच्चों, क्या बचेगा x cube dx बचेगा प्लस। अब x cube का इंटीग्रल करेंगे हम लोग, तो y into x square इसका टू x की पावर 4 upon 4 log x माइनस वन बाई फोर इंटू एक्स क्यू का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स फोर बाई फोर प्लस सी होगा। वाई इंटू एक्स स्क्वायर इसका टू एक्स डैश टू फोर अपॉन फोर, और ये लॉग एक्स हो जाएगा माइनस वन बाई सिक्सटीन एक्स पावर फोर प्लस सी। अब हम वाई इक्वल टू निकालेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर को सबके नीचे रखकर डिवाइड कर देंगे। वाई इक्वल टू हम जब लिखेंगे तो वाई इक्वल टू क्या होगा, एक्स पावर फोर अपॉन फोर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस वन बाई सिक्सटीन एक्स पावर फोर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये y इक्वल टू x फोर से x स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, तो x स्क्वायर अपॉन फोर लॉग x हो जाएगा, और माइनस x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा फोर, तो वन बाई सिक्सटीन x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस c इंटू x की पावर माइनस टू हो जाएगा। ये अपना क्या हो गया बच्चों, आंसर हुआ। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवन देख रहे हैं, x log x dy by dx plus y इसका जो 2yx log x है, ठीक है। तो मतलब डी वाई बाई डी एक्स को क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, उसके साथ कोई वेरिएबल नंबर या कोई फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होना चाहिए। तो एक्स लॉग एक्स का हम क्या करेंगे, दोनों साइड में डिवाइड करेंगे, ठीक। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स इक्वल टू टू लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स लॉग एक्स आ गया, ठीक, डिवाइड हो गया। तो एक्स लॉग एक्स कैंसिल कर दीजिए बच्चों, तो डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स इक्वल टू टू अपॉन एक्स स्क्वायर हुआ।
इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन का है उससे कंपेयर करेंगे, डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कंपेयर करेंगे। अब हम लोग पी बराबर आया 1/x लॉग x और क्यू बराबर आ गया 2/x2। हम लोग बच्चों अब आई एफ निकालेंगे, आई एफ इक्वल टू क्या होगा, e की पावर पी डी एक्स। ठीक, तो e की पावर पी, पी के प्लेस में क्या लिख देंगे, x log x लिख देते हैं, ठीक है, और डी एक्स लगाएंगे। इसका इंटीग्रल कैसे करना बच्चों, लॉग x तो हम लोग t का सपोज कर लेते हैं, लॉग x इक्वल टू t, तो लॉग x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो गया। ठीक है, तो अब अच्छा e लिखा 1/x dx की वैल्यू क्या होगी, dt, तो 1/t log x के प्लेस में t लिखेंगे और dt लिख दिया, बराबर में क्या लिखेंगे, 1/t का इंटीग्रल क्या होगा, log t हुआ, और e log t बराबर क्या होगा, t, e log x की वैल्यू क्या होती है, फार्मूला x होता है, इस प्रकार से e log t बराबर क्या होगा, t, और t की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी, log x, तो अब log x आ गया। अब इसके बाद हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब बच्चों y into आई एफ फार्मूला लगाए, y into आई एफ इज क्यू into आई एफ डी एक्स और प्लस का c हो गया। ठीक है, y into आई एफ हमारे पास आया बच्चों log x इसकल टू क्यू आया है 2/x2, आई एफ की जगह हम क्या लिखेंगे, log x लिखेंगे और डी एक्स लिखेंगे, प्लस c लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, 2/x2 ये हो गया, अब log और log x dx हो गया, अब इसको हम लोग log x को t मान के क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे। अब बच्चों अब x2 को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -2 हो जाएगा, ये तो y log x इक्वल टू 2 बाहर किया, x -2 log x dx कर दिया प्लस c, log x फर्स्ट फंक्शन रहेगा, x -2 क्या रहेगा बच्चों, सेकंड फंक्शन, आइलेट रूल के हिसाब से लॉग एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और एक्स माइनस टू को क्या लेंगे, सेकंड फंक्शन लेके हम लोग इंटीग्रल करेंगे, तो वाई लॉग एक्स टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डी वाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन फिर होल इंटीग्रल हो जाएगा बच्चों, तो होल इंटीग्रल करेंगे। तो चलिए अब इसका इंटीग्रेट कर देते हैं और इसके बाद आंसर आ जाएगा। तो y log x लिखे बच्चों इसका जो 2 log x x माइनस 2 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, -1/x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1/x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 कर देंगे तो -1/x आ जाएगा, माइनस log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x होगा, x माइनस 2 का इंटीग्रल कितना होता है बच्चों, -1/x होगा, और क्या हुआ, dx और प्लस c लिखना ही है अपने को। ठीक ना, आप क्या करेंगे बच्चों, y log x इसका लो 2 -1/x log x हमने लिख दिया, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/x2 dx प्लस क्या लिखेंगे, c लिख दिया। ठीक है, अब y log x इसका टू 2 -1/x log x इस x स्क्वायर को भी ऊपर के लेके जाएंगे बच्चों, यहाँ x का -2 dx हो जाएगा और प्लस c, इसका इंटीग्रल करना है हमको अभी, y log x इसका टू 2 -1/x log x -1/x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1/x हो जाएगा, x पावर -2 का x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 के हिसाब से और प्लस c। अब क्या करेंगे बच्चों, y इक्वल टू इसको हम लोग log x को नीचे भेजेंगे और 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -2 log x अपॉन x log x हो जाएगा ये और -2 अपॉन x और ये log x नीचे आ जाएगा तो x log x बन जाएगा प्लस c अपॉन log x होगा। ठीक, अब ये log x को कैंसिल कर देंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा बच्चों हमारे पास, y इक्वल टू -2 अपॉन x -2 अपॉन x log x प्लस c अपॉन log x हो जाएगा, इस प्रकार से हमारा ये आंसर हुआ बच्चों। तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 8, हम लोग 1+x2 dy प्लस 2xy dx इसकल टू cot x dx, तो बच्चों इसमें हमने dy by dx पहले निकालना है हमको, देखिए तो बहुत इजी तरीके से बताएंगे, dy by dx निकाला 1+x2 के सब में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 2xy अपॉन
वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉट एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा ना, वन प्लस एक्स स्क्वायर सभी टर्म में मैंने डिवाइड किया, इधर से डीएक्स का भी सबने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। देखिए तो ये डीवाई बाई डीएक्स हो जाएगा, यहाँ टू एक्स वाई से डीएस डीएस कैंसिल हो जाएगा और इधर से डीएक्स भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया बच्चों, डीएक्स का सब में डिवाइड कर दिया और वन प्लस एक्स स्क्वायर का भी इधर सबसे में डिवाइड कर दिया। कहने का मतलब डीएक्स और वन प्लस एक्स स्क्वायर का हमने सभी टर्म में डिवाइड कर लिया। तो कुछ इस प्रकार से हमारा बन क्या है, डीवाई बाई डीएक्स प्लस टू एक्स वाई अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉट एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, जिसका फॉर्मेट बन गया लीनियर इक्वेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन का, डीवाई बाई डीएक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म का बन गया। तो पी इक्वल टू हो गया हमारे पास टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और क्यू इक्वल टू हो गया कॉट एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक, अब बच्चों आइए अब निकालेंगे हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर पी डी एक्स इक्वल टू e की पावर टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम बच्चों इसमें क्या करेंगे कि वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी सपोज करेंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर इसका टी डेरिवेटिव करता हूं तो वन का डेरिवेटिव जीरो होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स डी एक्स इसका टू क्या हो जाएगा बच्चों, डी टी हो जाएगा। तो ये हमारा आएगा ई वन बाई टी डी टी, टू एक्स डी एक्स की जगह में हम लोग डी टी रखेंगे और वन प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस में टी रखेंगे। तो e की पावर वन बाई टी, तो e की पावर तो क्या हो जाएगा लॉग टी हो जाएगा, वन बाई टी का इंटीग्रल लॉग टी और e की पावर लॉग टी इक्वल टू क्या होता है टी, और टी की वैल्यू हमने क्या सपोज किया था वन प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार बच्चों आई एफ जो आया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वायर आया। अब फार्मूला लगाएंगे वाई इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ठीक, तो वाई इंटू आई एफ की वैल्यू आई हमारे पास वन प्लस एक्स स्क्वायर और क्यू की वैल्यू है हमारे पास कॉट एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, आई एफ की वैल्यू है हमारे पास इंटीग्रेटिंग वन प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स को लिखना है, इंटीग्रल का साइन भी लगाना है बच्चों और प्लस सी लिखा, वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे हम लोग। अब हमारे पास क्या बचा, वाई इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स डी एक्स प्लस सी। अब काट एक्स का इंटीग्रल लॉग साइन एक्स होता है तो वाई इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर काट एक्स का इंटीग्रल होता है लॉग साइन एक्स, हमने लिख दिया लॉग साइन एक्स प्लस सी। अब वाई इक्वल टू लिखेंगे बच्चों तो लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर का डिवाइड हो जाएगा लॉग साइन एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर लिख दीजिएगा और प्लस सी अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर लिख दीजिएगा, ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ बच्चों। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे एक्स का पहले सब में डिवाइड कर देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो हो गया, ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा वन आया। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स अपॉन एक्स, ये माइनस वन इधर आ जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा वन। आप क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स हम लोग क्या ले लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, वाई बाई एक्स जब कॉमन लेंगे बच्चों यहाँ पर वन बचेगा प्लस इधर क्या बचेगा एक्स कॉट एक्स बचेगा, क्या बचेगा एक्स कॉट एक्स बचेगा इक्वल टू क्या हुआ वन हुआ। अब ये फॉर्मेट बन गया बच्चों, देखो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू वन का। हाँ बच्चों देखो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्या है क्यू, तो पी बराबर क्या उसे कंपेयर करता हूं मैं तो वाई तो छोड़ दीजिए बच्चों, वन प्लस एक्स काट एक्स बाई एक्स और क्यू क्या हो जाएगा अपना वन। तो बच्चों इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते वन बाई एक्स प्लस एक्स काट एक्स बाई एक्स। ठीक, तो p इक्वल टू क्या आएगा वन बाई एक्स, एक्स कैंसिल हो जाएगा तो प्लस क्या आया कॉट x आया। ठीक, और q की वैल्यू फिक्स है वन आ गया। अब हम इसको आई एफ निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसमें हम लोग निकालते हैं आई एफ, आई एफ बराबर होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e की पावर p dx इक्वल टू लगाई बच्चों e, p की जगह हम क्या लिखेंगे वन बाई एक्स प्लस कॉट एक्स और dx इंटीग्रल का साइन भी लगा दीजिए। ठीक ना, आप क्या करते हैं देखिए बच्चों, ये लिखा वन बाई एक्स का इंटीग्रल क्या होगा बताओ लॉग साइन एक्स, वन बाई एक्स का इंटीग्रल क्या होगा लॉग एक्स होगा, हमने लॉग एक्स लिख दिया।
प्लस कॉट एक्स का इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग साइन एक्स होता है, लॉग साइन एक्स लिख दिया, ठीक इंटीग्रल कर दिया। अब लॉग का रूल लगा लेते हैं, लॉग कॉमन ले लेते हैं, मतलब एक्स साइन एक्स हो जाएगा इंटू क्या होता है प्लस में चेंज होता है, प्लस क्या होता है इंटू में चेंज हो जाता है। अब बच्चों देखो e की पावर लॉग एक्स, e की पावर लॉग एक्स का फार्मूला हमने बताया आपको क्या है x होता है, e की पावर लॉग एक्स का फार्मूला क्या हो जाएगा x into sin x, मतलब x हमारे पास क्या है x sin x हो गया। अब हम फार्मूला यूज करेंगे y into i f, इसका लिखिए into i f dx plus c। अब बच्चों चलते हैं y into i f इसका टू q into i f dx plus c, हमने लिख दिया फार्मूला लगा दिया बच्चों, तो y into i f की वैल्यू क्या है हमारे पास x sin x है, क्योंकि वैल्यू हमारे पास क्या है वन है, वन तो लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, आई एफ की वैल्यू क्या है x sin x हो गया और dx लिखिएगा प्लस c लिखिए, x फर्स्ट फंक्शन ले लीजिए बच्चों, sin x को सेकंड फंक्शन लीजिए, y into x sin x इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस dy dx फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर होल इंटीग्रल करेंगे, क्या करेंगे होल इंटीग्रल प्लस सी, ठीक। तो y इंटू एफ साइन एक्स इसका टू एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या इंटीग्रल क्या होगा बच्चों माइनस कॉस एक्स होगा, माइनस एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा वन, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन एक्स होगा, और फिर होल इंटीग्रल हो जाएगा इसका प्लस सी, ठीक। तो y इंटू एक्स साइन एक्स इसका टू माइनस एक्स कॉस एक्स होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा माइनस कॉस एक्स होगा, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस एक्स हो जाएगा तो एक्स का एक करके साइन एक्स का माइनस, साइन एक्स का फर्स्ट फंक्शन डिफरेंस एक्स का एक हुआ था, और साइन एक्स का इंटीग्रल यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस एक्स आ जाएगा, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होगा और कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का साइन एक्स लिख दीजिएगा और प्लस सी। अब बच्चों वाई एक्स साइन एक्स बराबर माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी है, अब हम लोग वाई निकालेंगे तो एक्स साइन एक्स का सब में क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो माइनस एक्स कॉस एक्स अपान एक्स साइन एक्स हो जाएगा प्लस साइन एक्स अपान एक्स साइन एक्स हो जाएगा प्लस सी अपान एक्स साइन एक्स हो जाएगा, ठीक बच्चों। अब क्या करते हैं इसके थोड़े और सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो वाई इक्वल टू माइनस कॉट एक्स हुआ प्लस साइन एक्स, साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा तो वन बाई एक्स हुआ प्लस सी अपॉन एक्स साइन एक्स हुआ, ये अपना आंसर हुआ जो वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा वन बाई एक्स प्लस वाई हो जाएगा ना, फिर यदि हम इसको चेंज कर देते हैं बच्चों डी एक्स बाई डी वाई तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, तो अब इसको क्या डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा बच्चों। तो इसको हमें ट्रिक बताएं आपको, जैसे डी एक्स बाई डी वाई है बच्चों तो यहाँ पर भी एक्स ही होना चाहिए, डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स आया ना तो ठीक है, यदि यहाँ डी वाई बाई डी एक्स रहेगा तो यहाँ भी वाई ही रहेगा, तो ये अपना इक्वेशन किस टाइप का बन गया बच्चों आप डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू के फॉर्मेट का बन गया, तो जहां पर पी बराबर हमारे पास क्या आएगा माइनस वन और क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, पी इक्वल टू माइनस वन क्यू इक्वल टू वाई। अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। अब बच्चों पी की वैल्यू आ गई माइनस वन और क्यू की वैल्यू आ गई वाई, अब आई एफ हम लोग निकालेंगे तो ई की पावर पी डी वाई लिखेंगे, उसमें पी डी एक्स लिखते थे इसमें पी पी डी वाई लिखेंगे, तो देखिए पी की वैल्यू माइनस वन डी वाई है, इस प्रकार से ई की पावर माइनस वाई हो जाएगा, वन का इंटीग्रल क्या होगा वाई के रिस्पेक्ट में माइनस वाई का, माइनस वन का क्या होगा इंटीग्रल वाई के रिस्पेक्ट में ई माइनस वाई होगा। अब फार्मूला क्या बने बच्चों ध्यान से देखिए, एक्स इंटू आई एफ हो जाएगा क्यू इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स इंटू आई एफ की वैल्यू मेरे पास आई है ई माइनस वाई और क्यू की वैल्यू मेरे पास बच्चों वाई थी तो वाई लिखा इंटू ई माइनस वाई डी वाई प्लस सी लिख दिया। अब वाई फर्स्ट फंक्शन ई माइनस वाई सेकेंड फंक्शन लेके हम लोग मल्टीप्लाई रूल लगाएंगे इंटीग्रल का, तो देखते हैं इसको एक्स इंटू ई माइनस वाई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डी वाई डी वाई फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन होल इंटीग्रल और क्या लिखेंगे बच्चों प्लस c।
सी लिख देंगे, प्लस का सी लिखेंगे। ठीक बच्चों, अब ध्यान दीजिए, एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई इजकल टू वाई, ई माइनस वाई का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस ई माइनस वाई होगा। ठीक है ना, ई माइनस वाई का ई माइनस वाई हो जाएगा और माइनस वाई का क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ई माइनस वाई डीवाई हुआ और माइनस वाई का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, वन हुआ। और ई माइनस वाई का इंटीग्रल जब करेंगे तो ई माइनस वाई हो जाएगा, फिर डी वाई लिखेंगे और प्लस का सी लिख दिया। ठीक, आप ध्यान देंगे बच्चों इसको, एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई इजकल टू माइनस वाई इंटू ई माइनस वाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ई माइनस वाई का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस ई माइनस वाई प्लस सी हो गया। ठीक है, तो एक्स इंटू ई माइनस वाई इजकल टू माइनस वाई ई माइनस वाई माइनस ई माइनस वाई प्लस सी। अब बच्चों क्या करूंगा, मैं एक्स इजकल टू निकालता हूं तो ये ई माइनस वाई सबके नीचे में आ जाएगा, माइनस वाई इंटू ई पावर माइनस वाई अपान ई माइनस वाई होगा, माइनस ई माइनस वाई अपान में ई माइनस वाई होगा, प्लस सी अपान ई माइनस वाई हो जाएगी की पावर माइनस वाई, ई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगी पावर माइनस वाई। तो एक्स इजकल टू बच्चों आएगा हमारे पास माइनस वाई माइनस वन प्लस सी की पावर ई वाई हो जाएगा, ये अपना क्या हुआ आंसर हुआ बच्चों। बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, y dx plus x minus y square whole bracket close dy is equal to 0 है, तो हम लोग इसको बच्चों क्या करेंगे, y का डिवाइड कर देते हैं और y dy का डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो dx upon dy plus x minus y square upon y is equal to क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से dx by dy plus x upon y माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई हो गया इक्वल टू जीरो हो गया। तो ये क्या बन गया बच्चों, देखो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स अपॉन वाई, ये वाई वाई कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई बचेगा इक्वल टू में जीरो। तो देखिए इसको डी एक्स बाई डी वाई हम लोग लिखेंगे प्लस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, उधर ट्रांसफर कर देंगे ट्रांसपोर्ट तो वाई हो गया। ठीक, अब ये फॉर्मेट बन गया बच्चों क्या, dx by dy plus px is equal to q का, तो p is equal to क्या होगा, 1 by y हुआ, और q is equal to क्या हुआ, y हुआ। अब हम if निकालेंगे तो ep dy लिखेंगे is equal to ep dy लिख दिया बच्चों, तो ep हमारे पास 1 by y dy is equal to e की पावर log y होगा, और e की पावर log x की वैल्यू x होती है, तो इस प्रकार से यहां पर e की पावर log y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। अब फॉर्मेट क्या बनेगा, x इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी बन गया बच्चों। तो x इंटू आई एफ हमारे पास क्या आया है, देखो y आया y लिख दीजिए, q हमारे पास क्या था बच्चों, y था y लिख दीजिए, आई एफ y है, डी वाई प्लस सी कर दीजिए। अब हम लोग इसका y y का इंटू करके इसका इंटीग्रल करते हैं, देखेंगे x y इज इक्वल टू y स्क्वायर डी वाई प्लस सी हो जाएगा ये। अब y स्क्वायर का हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे, तो x y इक्वल टू y स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, y क्यूब बाय 3 प्लस c, तो x इक्वल टू क्या होगा बच्चों, y क्यूब बाय 3 y आ जाएगा प्लस c अपॉन y हो जाएगा। तो x इक्वल टू y क्यूब से y कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो y स्क्वायर बाय 3 बचेगा प्लस c अपॉन y बचेगा, ये अपना आंसर होगा बच्चों। अब बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, x + 3y स्क्वायर होल ब्रैकेट क्लोज dy / dx इक्वल टू y है, तो इसको हम लोग x प्लस थ्री वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, y dx हो सकता है। अब इसके बाद हम इसको और आगे एक्सटेंड करते हैं, x प्लस थ्री वाई स्क्वायर इक्वल टू y dx अपॉन डी वाई हुआ बच्चों। ठीक है, तो y को इसके नीचे ला देते हैं, तो x प्लस थ्री वाई स्क्वायर अपॉन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx y dy हो गया। ठीक है, तो dx y dy ये आ गया, अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं बच्चों, और आगे देखते हैं इसको, dx by dy इक्वल टू x अपॉन y कर देते हैं, अलग अलग y को सब दोनों के नीचे रख देंगे हम लोग, 3y स्क्वायर by y भी हो जाएगा, तो dx by dy माइनस x अपॉन y, 3y स्क्वायर y कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा 3y, ये फॉर्मेट बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, dx by dy plus px इक्वल टू q से हम लोग इसको कंपेयर करेंगे बच्चों, तो p इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन बाई y, और q इक्वल टू अपना क्या आएगा 3y आएगा। अब बच्चों हम लोग इसको इक्वेशन बनाएंगे, x इंटू आई एफ, पहले अपन आई एफ निकालें बच्चों, इसमें आई एफ इक्वल टू
ई की पावर पी डी वाई होगा, इसका तो ई की पावर माइनस वन बाई वाई डी वाई होगा, तो ई की पावर माइनस लाग वाई हो गया। ई की पावर माइनस लाग यक्स का फार्मूला होता है बच्चों वन बाई यक्स, इसलिए इसका फार्मूला हो जाएगा वन बाई वाई। ई माइनस लाग वाई का वर्गमूल क्या बनेगा वन बाई वाई। तो एक फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिए बच्चों, ई की पावर लाग यक्स का यक्स होता है और ई की पावर माइनस लाग यक्स का क्या होता है वन बाई एक्स होता है, ठीक है। तो अपना ई की पावर माइनस लाग वाई है तो इसका क्या हो जाएगा वन बाई वाई हो जाएगा, ठीक। इतना समझ में आपको आ गया। अब क्या करेंगे, आई एफ तो निकल गया, अब यक्स इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी वाई प्लस क्या लिखेंगे सी लिख देंगे, इंटीग्रल का साइन लगा देते। यक्स इंटू आई एफ हमारे पास है वन बाई वाई, क्यू की वैल्यू है बच्चों थ्री वाई, आई एफ है वन बाई वाई, डी वाई प्लस सी हो जाएगा, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स अपॉन वाई इक्वल टू वाई का थ्री वाई का इंटीग्रल क्या हो जाएगा थ्री वाई हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। यदि बच्चों मैं यहाँ पर एक्स इक्वल टू लिख दूं, यदि मैं क्या लिख दूं एक्स इक्वल टू, तो देखिए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा बच्चों थ्री वाई स्क्वायर प्लस सी वाई बनेगा, जो इसका आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स है और दिया है बच्चे इसमें वाई बराबर जीरो फिर एक्स इक्वल टू पाई बाई थ्री। तो ये पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म का है, पी इक्वल टू आपका हो जाएगा टू टेन एक्स और क्यू इक्वल टू है साइन एक्स है, ठीक है। अब आई एफ निकालिए, आई एफ इक्वल टू क्या होगा ई की पावर पी डी एक्स हो जाएगा ये, तो ई की पावर टू टेन एक्स हो गया। अब टेन एक्स का इंटीग्रल अपने को पता करना, टेन एक्स डी एक्स का इंटीग्रल क्या होगा लॉग सेक एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स होता है, तो ई की पावर टू टेन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा लॉग सेक एक्स हो जाता है, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा ई की पावर लॉग और सेक एक्स को क्या कर देंगे हम बच्चों पावर को आगे ले आएंगे तो सेक एक्स का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ई की पावर लॉग सेक एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा सेक एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ई की पावर लॉग एक्स इक्वल टू एक्स होगा तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर तो क्यू है हमारे पास साइन एक्स। अब जाए इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वाई इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी वाला, ठीक है ना। तो आई इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया हमने इक्वल टू क्यू में बच्चों क्या लिख दिया साइन एक्स लिख दिया, आई एफ के प्लेस में क्या लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख दिया और प्लस सी लिख दिया। देखिए तो वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू हम लोग इसको इंटीग्रेट करते समय ये कर ले बच्चों साइन एक्स लिखा सेक स्क्वायर एक्स को वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स कर लेते हैं और डी एक्स कर देते हैं प्लस सी लिख देते हैं, ठीक है। तो वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन एक्स ब्रेक कर देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स को, साइन एक्स बाई कॉस एक्स कर देते हैं इंटू वन बाई कॉस एक्स कर लेते हैं और डी एक्स प्लस सी। हमने क्या किया बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स को दो बार में लिख दिया कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, अब साइन एक्स बाई कॉस एक्स को टेन एक्स लिख देंगे, वन बाई कॉस एक्स को सेक एक्स लिख देंगे, फिर इसका क्या कर देंगे इंटीग्रल कर देंगे। बच्चों ध्यान से y इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपना ये हो गया, इक्वल टू लगाइए साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा और ये वन बाई कॉस एक्स क्या हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा, डी एक्स लिख दिया और प्लस का सी लिख दिया। अब बच्चों ध्यान आओ आप फार्मूला सेक एक्स टेन एक्स इसका इंटीग्रल का क्या फार्मूला होता है सेक एक्स होता है, तो y इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिखा बराबर में सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा सेक एक्स होगा प्लस सी होगा। अब बच्चों वहां पर दिया था वाई इक्वल टू जीरो y इक्वल टू जीरो फिर x इक्वल टू क्या पाई बाय टू, ठीक है ना। तो y के प्लेस में हम लोग क्या रखेंगे जीरो रखेंगे और x के प्लेस में क्या रखेंगे पाई बाय टू, तो चलिए y के प्लेस में हम लोग जीरो रखेंगे बच्चों और sec स्क्वायर पाई बाय टू रखेंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना के रोक लेते हैं sec स्क्वायर पाई बाय टू इक्वल टू sec पाई बाय टू और प्लस सी लिख देते हैं, ठीक है। तो जीरो बिंदु जब सेक स्क्वायर पाई बाई टू से इंटू करेंगे तो रिजल्ट अलवेज जीरो ही आएगा और sec 90 की वैल्यू क्या होगी cos 90 की वैल्यू क्या होती है तो sin 90 वही हम लोग कहां रखेंगे बच्चों फर्स्ट इक्वेशन रखेंगे, ठीक है ना। तो sec x माइनस वन हो जाएगा, इक्वेशन हमने बना दी वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स प्लस सी, बट दिया था वाई इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू पाई बाय टू मैंने लिखा था लेकिन बट क्वेश्चन में अपने पाई बाय थ्री दिया है। बच्चों ध्यान से देखिएगा एक्स की वैल्यू सुधार लीजिएगा, इसको एक्स इक्वल टू पाई बाय थ्री रहेगा, ठीक है ना।
तो हम लोग यहाँ पर x की जगह में पाई बाई थ्री रख देंगे और ये पाई बाई थ्री, तो पाई बाई थ्री का मतलब क्या हुआ, sec 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, cos sec 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये 2 प्लस सी, तो सी की वैल्यू अपने पास आ जाएगी माइनस 2 आ जाएगी। तो इस प्रकार बच्चों अपना आंसर आएगा क्या, y इंटू sec स्क्वायर x प्लस sec x और माइनस 2 हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताएंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 एक्स वाई इजकल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इजकल टू 0 व्हेन एक्स इजकल टू 1 है। तो बच्चों इसमें क्या है, डी वाई बाई डी एक्स को सिंगल होना चाहिए, इसके साथ कोई नंबर कोई वेरिएबल कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होना चाहिए, यदि है तो उसी टर्म का क्या करेंगे हम सब में डिवाइड करेंगे। जैसे देखिए हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना डिवाइड बाई डी एक्स के साथ में, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का सभी टर्म में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां से कैंसिल हो जाएगा, देखिए तो dy by dx प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y इक्वल टू 1 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये फॉर्मेट किसका बन गया बच्चों, dy by dx प्लस py इक्वल टू क्या बन गया, q, ठीक। तो p इक्वल टू क्या होगा, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और q इक्वल टू हो जाएगा 1 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, ठीक। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF निकालते हैं, हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF निकालते हैं, IF इक्वल टू है e पावर pdx, ठीक, e रे टू pdx, तो p है अपने पास 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx लगाया और इंटीग्रल का साइन लगा दिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे इसका इंटीग्रल करने के लिए, 1 प्लस x स्क्वायर को हम लोग t से पुश करेंगे, तो 2x dx इक्वल टू क्या होगा, dt होगा, ठीक। तो 2x ds के प्लेस में हम लोग क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे, तो यहां पर आएगा dt और 1 अपॉन t dt, ठीक है। तो 1 अपॉन t का इंटीग्रल क्या होता है, log t होता है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों log t और e की पावर log x, e की पावर log x इक्वल टू क्या होता है, x होता है। तो इस प्रकार से e की पावर log t का क्या हो जाएगा बच्चों, t, और t बराबर हमने क्या सपोज किया था, 1 प्लस x स्क्वायर किया था, ठीक। तो इस प्रकार से if हमारा क्या आया बच्चों, 1 प्लस x स्क्वायर है। अब इसका हम डिफरेंशियल करते हैं बच्चों, अब फार्मूला लगाएंगे डिफरेंशियल का, y into if इक्वल टू q into if dx प्लस c, इंटीग्रल का साइन लगा देते हैं, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए, y into if कितना आया था बच्चों, हमारे पास 1 प्लस x स्क्वायर आया था, q क्या था हमारे पास, 1 by 1 plus x square, square हो गया whole square, if तो बच्चों हमारे पास 1 plus x square और dx और integral का sign लगा दीजिएगा, ठीक। कितना एक ही question है देखिए, अब 1 plus x square से एक 1 plus x square cancel हो जाएगा, यहाँ पर से y into 1 plus x square हुआ बच्चों, integral हुआ 1 by 1 plus x square, बचेगा हमारे पास यहाँ पर dx plus c। अब किसका इंटीग्रल फॉर्मूला बच्चों, tan inverse x का, y into 1 plus x square is equal to 1 by 1 plus x square का इंटीग्रल क्या होता है, tan inverse x होगा और ये plus c होगा। अब बच्चों हम यहाँ पर y बराबर 0 जब x बराबर 1 रख लेंगे, ठीक ना, जो वैल्यू अपने को गिवन दिया था कि y is equal to 0 then x is equal to 1, ये वैल्यू अब अपने को पुट करके c की वैल्यू निकाल के इसी इक्वेशन में हम वैल्यू को रख देंगे बच्चों। अब y बराबर 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, देखिए तो y के प्लेस में 0 रख दिया, 1 प्लस x स्क्वायर के प्लेस में हमने 1 का स्क्वायर रख दिया, इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस c, तो 0 का इंटीग्रेशन के साथ करेंगे बच्चों तो 0 ही आएगा, tan इनवर्स y की वैल्यू क्या होती है, पाई बाय 4 प्लस c, तो c की वैल्यू आ गई बच्चों माइनस पाई बाय 4, इसको हम सब्स्टिट्यूटिंग में वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट, तो y into 1 plus x स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस सी के प्लेस में क्या रख देंगे बच्चों, माइनस पाई बाय 4, ठीक। तो ये अपना तो एक आंसर हम दे दिए, ये आंसर बन सकता है। अब यदि हम y इक्वल टू निकालना चाहते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स x अपॉन का 1 प्लस x स्क्वायर हो सकता है, माइनस पाई बाय 4 अपॉन 1 पाई बाय 4 और 1 प्लस x स्क्वायर भी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो ये अभी एक आंसर हम दे सकते हैं, इस प्रकार से भी मतलब ये आंसर लिख सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, dy by dx minus 3y cot x is equal to sin 2x y is equal to 2 when x is equal to pi by 2। तो ये तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, देखो dy by dx plus py is equal to q से हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो p is equal to क्या आएगा, minus 3 cot x हो जाएगा, ठीक ना, p is equal to क्या हो जाएगा, minus 3 cot x and q is equal to हो जाएगा sin 2x। अब if निकालते हैं, if इज इक्वल टू क्या होगा, e पावर pdx हुआ, तो e की पावर में -3 cot x dx लिख देते हैं बच्चों, ठीक है।
अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल। कॉटस का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग साइन एक्स होता है। कॉटस का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग साइन एक्स होगा। तो इस प्रकार से लॉग साइन एक्स हमने ये लिख दिया बच्चों। अब क्या करेंगे, जो माइनस थ्री है एक पावर में लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ई की पावर लॉग साइन एक्स होल पावर माइनस थ्री हो जाएगा। ठीक, अब एक फार्मूला हमको बताए थे आपको, ई की पावर लॉग एक्स क्या होता है, एक्स होगा ना। इस प्रकार से ई लॉग साइन एक्स का पावर माइनस थ्री है, तो इसका आंसर क्या आएगा, साइन एक्स पावर माइनस थ्री। फार्मूला हमने आपको बताया था ई की पावर लॉग एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है ना। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ आया, ई की पावर लॉग साइन एक्स पावर माइनस थ्री है, तो ये एक्स हो गया हमारे पास। ठीक है, क्या हुआ, एक्स साइन एक्स की पावर माइनस थ्री। तो इस प्रकार से आई एफ हमारे पास क्या आ गया बच्चों, साइन एक्स की पावर माइनस थ्री आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन वाई इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक ना, तो वाई आई एफ की वैल्यू क्या लिखेंगे, साइन एक्स होल पावर माइनस थ्री वाई माइनस थ्री। क्यू हमारे पास है बच्चों साइन टू एक्स है, और आई एफ है साइन एक्स होल पावर माइनस थ्री डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब साइन टू एक्स को हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, टू साइन एक्स कॉस एक्स का लगा दें, वाई इंटू साइन एक्स होल पावर माइनस थ्री इसका टू साइन टू एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स होल पावर माइनस थ्री डी एक्स हो गया प्लस सी। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों वाई साइन एक्स होल पावर माइनस थ्री था ना, यहाँ पर देखिए टू साइन एक्स, ये साइन एक्स और ये साइन एक्स को जब सॉल्व कर देंगे, साइन एक्स इंटू साइन एक्स की पावर माइनस थ्री, तो क्या बचेगा बच्चों, हमारे पास पावर लगा देंगे तो क्या बच जाएगा, साइन एक्स की पावर माइनस टू बच जाएगा। बच जाएगा ना, ये साइन एक्स है, साइन एक्स की पावर वन है, और ये साइन एक्स की पावर माइनस थ्री है, तो वन माइनस थ्री का इक्वल टू क्या होगा, माइनस टू होगा। माने हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा दें, मेरे कहने का मतलब ये है कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाते हैं, तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स की पावर माइनस थ्री इक्वल टू क्या होगा, साइन एक्स की पावर माइनस टू हो जाएगा, और कॉस एक्स अपना ये लिखा जाएगा, डी एक्स लिखेंगे बच्चों प्लस सी। अब क्या करेंगे, इजी करने के लिए हम साइन एक्स को इसका इंटीग्रल करने के लिए हम लोग साइन एक्स को बच्चों टी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, साइन एक्स को टी मान, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो वाई इंटू साइन एक्स होल पावर माइनस थ्री इक्वल टू टू साइन एक्स को हमने क्या माना बच्चों, टी माइनस टू पावर लग जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स के प्लेस में क्या लिख देंगे, डी टी लिख देंगे। अब टी की पावर माइनस टू का इंटीग्रल करेंगे, और यहाँ प्लस सी जरूर लिखिएगा। अब टी की पावर माइनस टू का इंटीग्रल करते हैं बच्चों, क्या आएगा देखिए, वाई इंटू साइन एक्स की होल पावर माइनस थ्री इक्वल टू टू, और यहाँ पर आएगा इंटीग्रल माइनस वन बाई टी। यहाँ पर टी की पावर माइनस टू में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन डी एस का फॉर्मूला क्या था, एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो इसी बेस में ये फॉर्मूला टी माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन होगा, तो इसका आंसर आएगा बच्चों माइनस वन बाई टी आएगा, और प्लस सी हुआ। आप क्या करेंगे कि इसको जो टी की जो वैल्यू थी वो रखेंगे, वाई इंटू साइन एक्स होल पावर माइनस थ्री इसका टू माइनस वन बाई टी। टी अपने पास क्या था बच्चों, साइन एक्स था, तो साइन एक्स लिख दीजिए टी के प्लेस में, और प्लस सी। अब जो वैल्यू दिया था उसको रखेंगे हम लोग बच्चों। अब हमारे पास वैल्यू दिया था वाई इक्वल टू टू, और एक्स इक्वल टू क्या दिया था, पाई बाई टू। इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, तो वाई के प्लेस में टू रखते हैं बच्चों, देखो टू रखा, साइन पाई बाई टू पावर माइनस थ्री हुआ इक्वल टू टू माइनस वन बाई साइन पाई बाई टू हो गया। ठीक है, और प्लस सी हुआ। ठीक है, तो साइन पर 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, वन। तो वन का पावर माइनस थ्री इसकल टू टू माइनस साइन 90 की वैल्यू वन, तो वन लिख दीजिए प्लस सी। तो इस प्रकार से बच्चों वन की पावर माइनस थ्री है, तो क्या हो जाएगा, वन ही आएगा इसमें, तो टू इंटू वन। ठीक है, टू इंटू वन, वन बाई माइनस थ्री पावर की वैल्यू वन ही होगा इसकल टू माइनस टू प्लस सी। तो टू माइनस टू जब इधर शिफ्ट कर देंगे तो प्लस टू इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, फोर। इस फोर को वैल्यू को हम लोग इक्वेशन में फर्स्ट बना ना, वाई इंटू साइन एक्स होल पावर माइनस थ्री इक्वल टू ब्रैकेट में माइनस वन अपॉन साइन एक्स प्लस सी में वैल्यू सी की रखेंगे, और फिर इसके पास आंसर आएगा। तो सी की वैल्यू फोर आई ना, अब इस इक्वेशन में हमको रखना है। ठीक है ना, वाई इंटू साइन एक्स होल पावर माइनस थ्री इक्वल टू माइनस वन अपॉन साइन एक्स प्लस सी की जगह हम क्या रखेंगे, फोर रख दिया बच्चों। ठीक है, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, टू माइनस वन बाई साइन एक्स, तो ये हुआ अपना। ठीक है ना, और ये साइन एक्स बाई माइनस थ्री यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, साइन एक्स की पावर माइनस थ्री प्लस फोर अपॉन साइन एक्स की पावर माइनस थ्री होगा। ठीक बच्चों,
आप ध्यान दीजिए इसको, y इज इक्वल टू टू रहेगा हमारे पास तो साइन एक्स, और ये कितना बन जाएगा बताइए, साइन एक्स में पावर वन है और ये साइन एक्स में पावर माइनस थ्री है, तो क्या बन के आएगा, साइन एक्स की पावर माइनस टू बनेगा और प्लस फोर अपॉन साइन एक्स की पावर क्या बचेगा बच्चों, माइनस थ्री। तो इस प्रकार से अब हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर माइनस जो है हट जाएगा बच्चों, तो ये माइनस टू हो जाएगा, माइनस टू साइन एक्स की पावर टू हो गया प्लस फोर साइन एक्स की पावर क्या होगा बच्चों, थ्री। तो इस प्रकार से हम लोग इसको और लिख सकते हैं बच्चों सिंप्लीफाई करके, माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस फोर साइन क्यू एक्स भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, समझ में आया ना, वाई इक्वल टू माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस फोर साइन क्यू एक्स। हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, व्हाट प्रॉब्लम है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन, किससे पास होगा, ओरिजिन से, ओरिजिन मतलब जीरो जीरो से, ठीक है, क्या है, ठीक है, बार क्वेश्चन रिपीट करें, क्वेश्चन को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, गिवन दैट द जो स्लोप, स्लोप मतलब dy / dl, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, dy / dl, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट xy, क्या कोई भी पॉइंट दिया xy इज इक्वल टू द सम ऑफ द क्वाड्रेंट्स ऑफ द पॉइंट, सम ऑफ द क्वाड्रेंट्स मतलब जो स्लोप है dy / dx है वो सम ऑफ द क्वाड्रेंट्स ऑफ द पॉइंट, मतलब मेरा कहने का ये बनेगा इक्वेशन बच्चों, dy / dx स्लोप और टेंजेंट का सम ऑफ द क्वाड्रेंट्स ऑफ द xy मींस x + y, क्या बना इक्वेशन, dy / dx इक्वल टू x + y। फिर एक बार समझते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को, दिखा है कि मतलब स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू द सम ऑफ द क्वाड्रेंट्स ऑफ द पॉइंट, तो स्लोप को मैं आपको बताया ना dy / dx को अपन स्लोप कहेंगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो होता है dy / dx होता है, इसका टू x + y होगा, अब y को इधर ट्रांसफर कर देंगे ट्रांसपोज और इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे, इक्वेशन तो बन गया dy / dx इसका टू x + y। अब ध्यान दीजिए, अब आपको x ट्रांसपोज करना है कि y ट्रांसपोज करना है, ये ध्यान देना, तो जैसे बच्चों देखो dy / dx इक्वेशन बना है ना, यहाँ y है ना, तो हमेशा y को आप ट्रांसपोज करिएगा इक्वल टू x, क्योंकि फॉर्मेट जो बनता है हमारा ना, फॉर्मेट क्या बनता है बच्चों, dy / dx बनता है तो प्लस py इक्वल टू क्या होता है, क्यू के फॉर्म का बनता है, यहाँ x नहीं होता, px नहीं होता, px कब होता है पता है आपको, जब dx / dy होगा, क्या होगा इक्वेशन, dx / dy प्लस px इक्वल टू, यदि x होगा तो x आएगा p के साथ में, यदि dy है तो rp के साथ में y आते, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, तो ये फॉर्मेट dy / dx + py / q के से कंपेयर करेंगे बच्चों, तो p इक्वल टू -1 हो जाएगा और q इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर if निकालेंगे, तो e की पावर 5 pdx होता है इसका फार्मूला, तो ये बन जाएगा e की पावर -1 dx इक्वल टू हो जाएगा बच्चों e की पावर -x। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हम बच्चों सॉल्व करते हैं ना, देखिए डी वा तो y इंटू आई एफ फार्मूला, y इंटू आई एफ इक्वल टू q इंटू आई एफ dx प्लस सी, ठीक, तो y लिखा बच्चों पावर है e की पावर y इंटू e की पावर माइनस एक्स, अपना आई एफ आया था और q था हमारे पास x इंटू e की पावर माइनस एक्स dx हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा, x को फर्स्ट फंक्शन और e की पावर माइनस एक्स को सेकंड फंक्शन लेके हम लोग इंटीग्रल करते हैं, y into e की पावर माइनस x इसका टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस dy dx फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर होल इंटीग्रल क्या होगा बच्चों, होल इंटीग्रल और प्लस c लिखेंगे, ठीक, तो y into e raise to माइनस x इसका टू x e माइनस माइनस x का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस e पावर माइनस x होगा, माइनस एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा बच्चों, वन वन लिखने की जरूरत नहीं है, ई माइनस एक्स का इंटीग्रल ई माइनस एक्स डी एक्स होगा और प्लस सी हुआ, ठीक, एक बार और इंटीग्रल होगा बच्चों, तो वाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स ई रेज टू माइनस एक्स, अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और ई माइनस एक्स का जब इंटीग्रल करेंगे ई माइनस एक्स फिर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस, ये आएगा क्या बच्चों माइनस माइनस ई माइनस एक्स प्लस सी, ठीक, अब इसको हम और आगे सॉल्व करते हैं बच्चों, y into e की पावर माइनस एक्स आया है तो y into e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स e राइट टू माइनस एक्स माइनस e माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा। अच्छा ये क्वेश्चन फर्स्ट बना दीजिए बच्चों, अब ये बहरा था क्वेश्चन था हमारा व्हाट प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, पासिंग थ्रू द पॉइंट ओरिजिन, पासिंग थ्रू द पॉइंट ओरिजिन का ओरिजिन मतलब पासिंग किससे होगा, जीरो जीरो से पासिंग होगा, ठीक ना, पासिंग थ्रू पॉइंट द ओरिजिन,
जब ओरिजिन से पास होगा तो एक्स और वाई के प्लेस में क्या रखेंगे, जीरो जीरो रखेंगे। तो देखो वाई के प्लेस में जीरो रखा, ई की पावर जीरो हो गया, इक्वल टू माइनस जीरो हो गया, ठीक है। एक्स के लिए हम जीरो रख देंगे, पूरा रिजल्ट जीरो कर देगा, माइनस ई की पावर जीरो हो जाएगा, प्लस सी हो गया। तो देखो ये जीरो हुआ, ये भी जीरो हुआ, मान ई जीरो का वैल्यू वन होता है, आपको याद होगा ई की जीरो का वैल्यू होता है ई की पावर जीरो इक्वल टू वन। तो इस प्रकार से बच्चों सी ई प्लस वन इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई बच्चों, वन आ गई। अब मैं चलूंगा फर्स्ट इक्वेशन में, इसको पुट कर देता हूँ। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना, तो वाई इंटू ई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, ई राइट टू माइनस एक्स, माइनस ई राइट टू माइनस एक्स, प्लस सी की वैल्यू क्या आई, वन, ठीक। अब क्या करेंगे बच्चों, वाई इक्वल टू निकालेंगे हम लोग। तो y इक्वल टू बच्चों जब निकालेंगे, e की पावर माइनस एक्स आपके नीचे चला जाएगा, माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स अपॉन e माइनस एक्स कर दीजिए, माइनस e माइनस एक्स अपॉन e माइनस एक्स कर दीजिए, प्लस वन अपॉन e पावर माइनस एक्स कर दीजिए, ठीक है। तो y इक्वल टू में e माइनस एक्स e माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों, माइनस एक्स माइनस वन प्लस e की पावर माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा, तो e की पावर क्या आएगा, एक्स आएगा। तो इस प्रकार से बच्चों मेरा जो आंसर आएगा e की पावर एक्स माइनस वन होगा। बच्चों अब 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 02, क्या है एक इक्वेशन फाइंड करना है, लेकिन ये इक्वेशन किस पॉइंट से पास होगा, 0,2 से, यानी 02 से पास होगा। गिवन दैट द सम ऑफ, सम मतलब क्या होगा, प्लस सम ऑफ द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x प्लस y, ठीक है, समझ रहे ना, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स की मीनिंग क्या हुई, x प्लस y आप एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड्स, एक्सीड्स माने क्या होगा, प्लस एक्सीड्स का मतलब मीनिंग क्या होगी, प्लस एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप क्या होगा, dy by dr, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट वही होता है dy by dr टू कर्व एट पॉइंट बाय 5, मतलब क्या होगा बच्चों, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट, मतलब कहने का मेरा मतलब ये होगा कि इक्वेशन जो बने बच्चों x प्लस y इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy by dx प्लस 5, एक्सीड्स कहा है, एक्सीड्स का मतलब होता है प्लस या अधिक, तो प्लस 5 क्या है, एक्सीड्स करेंगे। तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है बच्चों, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, तो क्या होगा सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स की मीनिंग x प्लस y होगी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट का मैग्नीट्यूड जो बोला है, तो dy by dx, एक्सीड्स का मतलब होगा प्लस, तो dy by dx प्लस 5। तो मैं फाइनली बता बच्चों x प्लस y इक्वल टू dy by dx प्लस 5, ये इक्वेशन बनेगा। इसके बाद हम लोग इसका डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करके इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे बच्चों। इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस y dy by dx प्लस 5, इसको एक बार और अच्छे से लिख ले बच्चों इस टाइप से, dy by dx प्लस 5 इक्वल टू x प्लस y, क्या लिखेंगे, x प्लस y, ठीक है। तो देखो बच्चों इक्वेशन बनाते समय मैंने आपको बताया, देखो dy by dx है ना, तो हमेशा y आना चाहिए, माइनस y आ गया, इक्वल टू में x लिखेंगे, प्लस 5 क्या हो गया, माइनस 5। तो ये इक्वेशन किस टाइप का बन गया, फॉर्मेट इसका बच्चों dy by dx plus py इक्वल टू 2 के फॉर्म का बन गया, p इक्वल टू माइनस 1 होगा और q इक्वल टू क्या होगा, x माइनस 5। अब if हम लोग निकालेंगे बच्चों, if इक्वल टू क्या होता है, e की पावर p dx हो जाएगा, तो e की पावर माइनस 1 dx कर देंगे, तो माइनस 1 का इंटीग्रल क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में माइनस x आएगा, तो e की पावर माइनस x आ गया अपना if। और इसके बाद हम फार्मूला लगा के y into if इक्वल टू q into if dx plus c से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ठीक, इंटीग्रल का साइन लगा देते हैं बच्चों, कितना इजी है। देखिए y इंटू आई एफ की वैल्यू क्या रखेंगे, e की पावर माइनस एक्स, क्यू बच्चों हमारे पास क्या था, x की पावर x माइनस 5, और आई एफ था e माइनस एक्स डी एक्स और प्लस सी, ठीक। अब y इंटू e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू x के साथ e की पावर माइनस एक्स का इंटू करिए, x इंटू e माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा, और माइनस 5 इंटू ई माइनस एक्स डी एक्स, ये भी हो जाएगा बच्चों, अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। और प्लस सी मतलब ई माइनस एक्स का एक्स माइनस 5 के साथ क्या किया बच्चों, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। वाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज कर दिए, फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डी वाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर होल इंटीग्रल होगा बच्चों, क्या होगा, होल इंटीग्रल, ठीक, ये हो गया माइनस 5 e माइनस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस e माइनस एक्स हो जाएगा, और क्या होगा, प्लस c। तो बच्चों y इंटू e पावर माइनस एक्स इक्वल टू x लिखिए,
यक्स हमने लिखा ई माइनस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा बच्चों माइनस ई माइनस एक्स होगा। ठीक याद कर लीजिए अच्छे से इसको, ई माइनस एक्स क्या होगा माइनस ई माइनस एक्स होगा। ठीक है माइनस लगाई बच्चों, यक्स का डिफरेंशियल वन हो जाएगा, वन लिखने की जरूरत नहीं है। ई माइनस एक्स का इंटीग्रल ई माइनस एक्स होगा, फिर एक डिग्री इंटीग्रल और होगा बच्चों डी एक्स। ठीक और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का फाइव ई राइज टू माइनस एक्स प्लस सी हुआ। ठीक ना बच्चों इतना ही आपके समझ में आया। आप क्या करेंगे बच्चों ध्यान से देखिए y into e minus x is equal to minus x e minus x ये होगा। आप देखो माइनस माइनस तो प्लस होगा, ठीक है मैं समझ गया प्लस होगा। e minus x जब इंटीग्रल करेंगे तो माइनस e minus x हो जाएगा और प्लस 5 e raise to minus x प्लस क्या होगा जो c होगा। ठीक है तो y into e minus x is equal to minus x minus e minus x plus 5 e raise to minus x plus c। अब इसको क्या करना बच्चों पासिंग थ्रू द पॉइंट बोला था 0,2 से, किससे पास करना था 0,2 से। तो चलिए हम लोग पास करेंगे अब इसको 0,2 से। अच्छा इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं हम लोग, पासिंग थ्रू द पॉइंट क्या है 0,2 से, 0,2 लिख देते हैं। ठीक ओके बच्चों तो पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2 तो वाई के प्लेस में एक्स के प्लेस में 0 रखेंगे और वाई के प्लेस में 2 रखेंगे। तो वाई के प्लेस में 2 रखा, एक्स के प्लेस में क्या रखेंगे बच्चों 0। ठीक तो एक्स के प्लेस जब 0 होगा तो ये पूरा रिजल्ट 0 हुआ, समझ में आया। माइनस e की पावर 0 हो जाएगा प्लस 5 e की पावर क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा प्लस c हुआ। ठीक तो ये तो 2 आया, e 0 की वैल्यू 1 होता तो 2 आया बच्चों, माइनस e 0 की वैल्यू 1 हो जाएगा प्लस 5 e 0 मतलब 5 हुआ प्लस c हुआ बच्चों। तो 2 इसका 5 माइनस 1 कर दीजिए 4 प्लस c, अब 2 माइनस 4 कर देंगे तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 2 आएगी और इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे बच्चों। 2 माइनस 4 कर देंगे तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास माइनस 2 आ गई। ठीक c की वैल्यू क्या आएगी बच्चों माइनस 2। अब इस इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन बनाए थे उसमें हम c की वैल्यू माइनस 2 c की प्लेस में रख देंगे। ठीक है तो रखते हैं y into e minus x is equal to minus x e minus x minus e minus x plus 5 e minus x plus c की प्लेस में क्या रख दें बच्चों माइनस 2 रख दिया। ठीक है अब ध्यान से समझिएगा y इसका जब निकालता हूं मैं ये एक काम करते हैं बच्चों यहाँ से हम लोग y का टू निकालता हूँ तो क्या होगा माइनस x अपान e माइनस x अपान में e माइनस x कर दीजिए, माइनस e माइनस x अपान में e माइनस x कर दीजिए प्लस 5 e माइनस x कर दीजिए अपान में e माइनस x कर दीजिए बच्चों और माइनस का क्या 2। तो क्या बचा बच्चों देखो अब इसको लास्ट स्टेप है y का टू लिखेंगे तो e माइनस x e माइनस कैंसिल हो जाएगा तो माइनस x बचा, माइनस e माइनस x कैंसिल कर देंगे बच्चों तो माइनस 1 बचेगा प्लस का क्या बचेगा यहाँ से 5 बचेगा। ठीक और माइनस 2 बचेगा और 2 अपॉन e माइनस x बचेगा, क्या बचेगा 2 अपॉन e माइनस x हो जाएगा बच्चों e माइनस x तो ये बन जाएगा 2 की पावर e x हो जाएगा। ठीक तो y इक्वल टू माइनस x 5 माइनस 1 करेंगे तो प्लस का 4 आएगा माइनस 2 e पावर x हुआ। तो ये अपना आंसर हो गया बच्चों y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस x माइनस 2 e माइनस x प्लस 4। ठीक हाँ बच्चों तो अपना आंसर क्या है तो y का टू माइनस एक्स प्लस फोर ई की फोर था माइनस टू ई की पावर एक्स था ना तो सेकंड लाइन में भी हम यही लिखेंगे y का टू माइनस एक्स माइनस टू ई की पावर एक्स लिखेंगे बच्चों। ठीक है ई की पावर एक्स प्लस 4 ये अपना क्या हुआ आंसर हुआ बच्चों। इस प्रकार से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सब कम्प्लीट हो गए बच्चों। तो बच्चों मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और बच्चे इस वीडियो को देख के डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाए।